हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई ट्रॉयल किंग पर। दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ में डेटा ऑफ एग्जिट आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे मात्र 2 मिनट में लाइव प्रूफ के साथ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विदाउट एम्प्लॉयर के आप खुद से करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, जब तक आप अपने पीएफ में डेटा ऑफ एग्जिट को अपडेट नहीं कर देते हैं तब तक आप अपने पीएफ का पूरा जो पैसा है विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो इसके लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप, अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपके पास है, उस पर एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद हमें सर्च बार में जाना है और टाइप करना है EPFO। टाइप करके सर्च करेंगे, जो फर्स्ट वाला लिंक हमें दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे। इसके बाद हमें नोटिफिकेशन को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमें जो सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर इसके बाद जो सर्विसेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आपको फॉर एम्प्लाई, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हमको थोड़ा नीचे की तरफ आना है, सर्विसेज वाले ऑप्शन पर वन एम्प्लाई वन EPF अकाउंट पर हमको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा मेंबर जी सेवा पोर्टल का। इसको हमें अपना UAN नंबर और इसके बाद पासवर्ड को एंटर करेंगे। इसके बाद हमें ये कैप्चा जो है इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हम अपनी सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं, इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको लेटर पर क्लिक करके हटा देंगे। इसके बाद हमारे सामने हमारा जो UAN अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो भी सर्विसें हैं वो दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे मैनेज के ऑप्शन में मार्ग एग्जिट, इस पर जाएंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो हमारा रिजाइन का जो डेट होता है उस डेट को हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी डेट होगी, जिस डेट को हमने रिजाइन दिया होगा, डेट ऑफ एग्जिट, उसको हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। यहाँ पर अभी जो डेट ज्वाइनिंग वाली डेट हमारी वो यहाँ पर शो कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी किस डेट में हुई थी। तो हमारी जो ज्वाइनिंग की डेट है वो 1 जुलाई 2018 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हमें डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, जिस डेट को आपने रिजाइन दिया था। आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है उसको देख लेंगे, उसी अनुसार आप इसमें जो भी डिटेल आपकी है उसे एंटर कर देंगे। उसके बाद ये चेक मार्क जो बॉक्स है इस पर चेक मार्क करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक OTP आएगा। इसके बाद हम आई हैव रीड द बिलो पॉइंट केयरफुली पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं, OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से अभी हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP भेजा गया है। इस OTP को हम यहाँ पर जो OTP का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिया है, इस पर सबमिट करेंगे, अपडेट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट हो जाएगा और 24 से 48 घंटे के बाद हम अपना जो भी PF है वो सारा PF का अमाउंट है निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी मेंबर ID और यहाँ पर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट जो भी है और रीजन ऑफ एग्जिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।